Good morning to you all. The right way education में आप सभी का स्वागत है. कैसे आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अपना ध्यान रखें और किसी भी तरह की लापरवाही ना करें, ठीक है. पूरे पर खुश भी खुश रहें, पूरे परिवार को भी खुश रखें. आज आपका 12th का पहला चैप्टर शुरू होने जा रहा है, द राइट वे एजुकेशन पर, राइट, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. और साथ ही साथ एकेडमिक के साथ साथ यहां पर इम्फेसाइज करेंगे हाउ टू कम्बैट, हाउ टू क्रैक नीट एग्जाम, इंजीनियरिंग एग्जाम एंड फॉलोड बाय NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, विच इज क्लास 1 सर्विस इन इंडिया डिफेंस, राइट. तो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी ये जानना व्हाट आर द इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज विच इज एट रेस्ट. सो वी विल कम टू नो व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बट उसको जानने से पहले आपको जानना होगा चार्ज क्या है. तो इस दुनिया में जिधर भी नजर उठा के आप देखेंगे दो ही तरह के पार्टिकल हैं, या तो पार्टिकल चार्ज है अदरवाइज पार्टिकल न्यूट्रल. 11th की पूरी फिजिक्स आपने पढ़ी, चाहे वो सॉलिड मैकेनिक्स हो, चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स हो, चाहे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो, ऑक्सीलेशन हो, साउंड हो, हर पार्टिकल जो था वो न्यूट्रल था. किसी भी पार्टिकल पे चार्ज नहीं था, किसी भी मैटर पे चार्ज नहीं था, यानी पूरी कहानी थी न्यूट्रल पार्टिकल की. तो न्यूट्रल पार्टिकल का सेंस क्या है, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में पढ़ा, स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा और जानते हो कि हर मैटर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल से बना हुआ है. जहां पर न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है उस पर कोई नेट चार्ज नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है. तो व्हाट एग्जैक्टली द चार्ज इज, वो एलिमेंट्री चार्ज है. व्हाट एग्जैक्टली द चार्ज इज, चार्ज इज शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मैटर. तो इन जनरल किसी भी मैटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव की वैल्यू होती है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, और इसे कहा जाता है एलिमेंट्री चार्ज, राइट. अब अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं, यानी जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, तो बॉडी पर नेट चार्ज क्या होगा, जीरो. और इसी को आपने कहा न्यूट्रल पार्टिकल. क्या कहा आपने, न्यूट्रल पार्टिकल. अब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर भी होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन भी होता है. तो इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, जबकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है दैट कैन इजिली बी टेकन आउट. तो अगर किसी तरह से आप इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसे बाहर कर दें, बाहर, तो इलेक्ट्रॉन मैटर के अंदर कम हो जाएगा और प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा. तो इफ इलेक्ट्रॉन इज आउट फ्रॉम द मैटर, इलेक्ट्रॉन बिकम्स लेस देन प्रोटॉन. इसका मतलब दादागिरी इसकी होगी, प्रोटॉन की होगी, और प्रोटॉन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव. तो इस बॉडी पे नेट चार्ज डेवलप होता है और ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है. तो जब इलेक्ट्रॉन मैटर से बाहर, तो मैटर गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, और इसी को कहते हो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. चार्ज कितना होगा, क्यू बराबर प्लस यानी पॉजिटिव
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउट, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर गए, इनटू ई जो एलिमेंट्री चार्ज, राइट। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन को एक कर दिया जाए, इनसाइड मैटर कर दिया जाए, तो उसका रिवर्स होगा, नाउ इलेक्ट्रॉन बिकम्स मोर देन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो एज ए रिजल्ट मैटर यानी पार्टिकल गेट्स नेगेटिवली चार्ज एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड चार्ज ऑन पार्टिकल क्यू इज इक्वल टू माइनस एन इंटू ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, एंड ई क्या है, एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज का मतलब होता है चार्ज ऑन, मिनिमम चार्ज ऑन एनी पार्टिकल, सो वी विल डिस्कस नाउ। तो इस तरह से न्यूट्रल पार्टिकल एक हो गया, पूरी 11 की फिजिक्स है, उसी तरह से पूरी 12th की फिजिक्स कहानी है किसकी, चार्ज पार्टिकल की, और चार्ज पार्टिकल या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा और या तो निगेटिवली चार्ज होगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज, जैसे 11th में आपने देखा ट्रक है, बस है, साइकिल है, चल रहे हैं या बैठे हैं, तो उसी तरह से ये चार्ज पार्टिकल भी या तो रेस्ट में होंगे और या तो मोशन में होंगे। तो जब ये रेस्ट में है तो क्या कर सकते हैं, जब ये मोशन में है तो क्या कर सकते हैं, ये जानना ही पूरी पूरी 12th की फिजिक्स है, जिसे एक वर्ड में आप कहते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट। तो सी द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। तो क्वेश्चन सिंपल है कि दो स्फीयर हैं ए एंड बी, क्या है, टू आइडेंटिकल और ये मेटालिक स्फीयर हैं ए एंड बी, हैविंग मास एमकेजी, दोनों के मास एमकेजी हैं। नाउ ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज एंड बी इज गिवन निगेटिव चार्ज, दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, एक पर चार्ज प्लस क्यू है, इसको चार्ज प्लस क्यू दिया, ये हो गया प्लस क्यू, और इसको चार्ज माइनस क्यू दिया, राइट। तो अब दोनों के मास एम ए और एम बी है, दोनों के मास क्या है, एम ए और एम बी, देन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या एम ए और एम बी बराबर होंगे, या एम ए ज्यादा होगा एम बी से, या एम ए कम होगा एम बी से, या इनमें से कोई नहीं होगा, तो जो आप बताना चाहें तो बोलो क्या सही ऑप्शन होगा, क्या चार्जिंग के बाद भी मास बराबर रहेगा, या किसी का कम होगा या किसी में ज्यादा होगा, यानी न्यूट्रल पार्टिकल है उसका सर्टेन मास है, अब चार्ज दोगे तो आपने पीछे देखा या तो पॉजिटिव चार्ज दोगे या तो निगेटिव चार्ज दोगे, पॉजिटिव चार्ज दोगे इलेक्ट्रॉन को बाहर करके और निगेटिव चार्ज दोगे इलेक्ट्रॉन को अंदर करके, तो क्या इससे मास पे कोई फर्क पड़ता है, तो आप ध्यान दें कि पॉजिटिव चार्ज देना है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर जाना होता, और इलेक्ट्रॉन मासलेस नहीं है, इसका सर्टेन मास है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.31 इंटू 10^-31 kg। तो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे उतना मास कम हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज दिया, अब इसका मास m से क्या हो गया, m a, तो m a कितना होगा, इनिशियल मास m, और माइनस करोगे कितने इलेक्ट्रॉन बाहर गए, और एक इलेक्ट्रॉन का मास जो ये होता है। उसी तरह से जब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल की बात करोगे तो इसको इलेक्ट्रॉन दोगे, यानी इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन का सर्टेन मास है और इसलिए मास बढ़ेगा, तो एम बी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव चार्ज क्या है, पहले मास एम था, अब इतना मास और बढ़ जाएगा, इसका मतलब हुआ कि एम बी ज्यादा होगा, जो निगेटिवली चार्ज है ज्यादा होगा और जो पॉजिटिवली चार्ज है कम होगा, यानी एम बी ग्रेटर देन एम ए,
इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन ये है, एम ए स्मॉलर देन एम बी। और साथ में कॉन्सेप्ट फॉर्म में जानना होगा कि अगर आप कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से बात करते हो तो जो निगेटिवली चार्ज बॉडी है वो हैवियर होगा देन द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और ना भूलें, ध्यान में रखें, क्या ये बात समझ में आई? ओके ओके। सो नेक्स्ट केस यानी फर्स्ट केस ऑफ न्यूमेरिकल फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आपने पीछे पढ़ा कि किसी भी पार्टिकल पर चार्ज q बराबर या प्लस या माइनस n इंटू यू होता है। आप चाहे पार्टिकल न्यूट्रल हो, अगर न्यूट्रल पार्टिकल है तब आपका क्वेश्चन ये होगा कि इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना चार्ज होगा या प्रोटॉन की वजह से कितना चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से तो निगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज होगा। और दूसरा एस्पेक्ट है कि या तो मटेरियल को इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा और या बाहर निकाला जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जा रहा है तो गारंटी है चार्ज पॉजिटिव होगा, अगर इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है तो चार्ज क्या होगा? निगेटिव होगा। लेकिन दोनों ही केसेस में चार्ज q की वैल्यू क्या होगी? प्लस या माइनस n इंटू e के बराबर। तो लेट्स सी योर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि इफ वन इलेक्ट्रॉन टेकन आउट पर एटम, यानी हर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया जाए फ्रॉम कॉपर स्फीयर ऑफ 64 ग्राम। 64 ग्राम का कॉपर स्फीयर है और ये न्यूट्रल है। अब उसमें से अगर आप पर एटम, जितने भी एटम हैं, हर एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया जाए, देन हाउ मच इज द चार्ज ऑन स्फीयर। सो चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, चार्ज की वैल्यू निकालना हो, चाहे न्यूट्रल पार्टिकल हो और या चार्ज पार्टिकल हो, हमें चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है? q बराबर प्लस या माइनस एन ई। तो यहां पर किन किन बातों को ध्यान में रखना? सबसे पहले देखें कि मास कितना दिया गया है। तो गिवन मास 64 ग्राम। तो आप सबसे पहले जो मास दिया जा रहा है आप क्या निकालें? मोल नंबर, कि कितना मोल है मैटर का। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोल होता क्या है? मोल, गिवन नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू जो मास दिया गया, गिवन मास डिवाइडेड बाय, अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक वेट और कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, ये देगा मोल नंबर। अब क्यों मोल नंबर पे जा रहे? क्योंकि मोल नंबर आपने 11 में पढ़ा एसआई यूनिट है किसका? अमाउंट ऑफ मैटर का। तो वन मोल ऑफ मैटर, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, कितने एटम 6 मॉलिक्यूल होते वन मोल में? तो वन मोल कंटेंट्स 6.022 × 10³ एटम्स फॉर एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स फॉर कंपाउंड एंड पॉपुलरली कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर रिटन बाय, यानी इसलिए एवोगाड्रो नंबर आप मोल फाइंड आउट करना है, राइट? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब आपने 64 ग्राम स्फीयर का था, अब कितने मोल होंगे? तो नंबर ऑफ मोल, गिवन मास 64 है और एटॉमिक वेट कॉपर का 64 होता है, तो एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दिया, कितना हुआ? वन मोल। यानी वन मोल ये मैटर है कॉपर स्फीयर के फॉर्म में। सो हर एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर किया गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर हुए? जितने एटम। सो नेक्स्ट स्टेप सीधे आपने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, और नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? एवोगाड्रो नंबर इनटू मोल नंबर। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 × 10³, ना भूलें। और इस क्वेश्चन में कितना मोल मैटर का है? वन मोल।
इसलिए यही इलेक्ट्रॉन आउट की संख्या होगी। जब आपने ये निकाल लिया कितना इलेक्ट्रॉन आउट हुए या कितने इन हुए, ये स्टेप यही फॉलो करना है आपको। तो चार्ज बराबर, इलेक्ट्रॉन बाहर गए इसलिए पॉजिटिव चार्ज होगा, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर गए आपने निकाल लिया, और एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू, सो प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर, 6.022 × 10³ इंटू एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू है 1.6 × 10⁻¹⁹, और अप्रोक्सीमेटली यही बराबर कितने हैं, 9.6 × 10⁴ कूलम, जहां कूलम क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज। सो नेक्स्ट स्टेप यही होगा आपका, व्हाट आर वेरियस यूनिट ऑफ द चार्ज पार्टिकल, जो नेसेसरी दिए और नीट के फॉर्म में क्वेश्चंस होते हैं, राइट?